बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 3, हाउ आर यू? आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो, सिटी कैंपस भलवाल। इट्स साइंस ग्रेड 3, टाइटल ऑफ द चैप्टर इज आर फूड एंड इट्स चैप्टर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 13। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बतानी है कि आप डेली एक्सरसाइज करते होंगे, या अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आप यकीनन खेल के लिए मैदान में जाते हो, और जब आप खेलते हैं तो आपको पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, और फिर क्या होता है, फिर आप अपने आप को फील करते हैं कमजोर, वीक फील करते हैं, और आप हंग्री हो जाते हैं, आपको भूख लगती है। आप जैसे ही घर आते हैं अपनी मामा से पूछते हैं, मामा खाने के लिए कुछ है? मतलब आप क्या मांग रहे होते हैं? आप फूड मांग रहे होते हैं, खुराक मांग रहे होते हैं मामा से। भाई आखिर ये खुराक जो है ये करती क्या है? यही आज का हमारा टॉपिक है कि फूड जो है इसका फायदा क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहली बात डियर स्टूडेंट्स, फूड इज बेसिकली द नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। हर जिंदा चीज जो है उसकी जरूरत है खुराक, और ये खुराक क्या करती है, ये हमें देती है, इट गिव्स अस नंबर 1 एनर्जी, ये हमें एनर्जी देती है, और उस एनर्जी से हम मूव करते हैं नंबर 1, और मुख्तलिफ किस्म के काम सर अंजाम देते हैं। ये तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। तो ये फूड हमें क्या किसी हवाले से हेल्प भी करती है? जी हां, ये हेल्प करती है हमें ताकि हम ग्रो कर सके, यानी बड़े हो सके, और साथ में हम हेल्दी रह सके। फूड कीप अस हेल्दी। भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमें बड़ी बातों का पता चला। कोई और बात भी है? जी हां, फूड हमारी मदद करती है ताकि रिपेयरिंग हो जाए। किस चीज की रिपेयरिंग? रिपेयरिंग आपको पता है क्या होती है? रिपेयरिंग को हम कहते हैं तोड़ फोड़। रिपेयरिंग को हम कहते हैं मुरम्मत करना। जी डियर स्टूडेंट्स, रिपेयरिंग का मतलब होता है मुरम्मत करना। किस चीज की मुरम्मत? जो वियर एंड टियर होती है हमारी बॉडी में, यानी जो तोड़ फोड़ होती है हमारी बॉडी में, उसकी मुरम्मत कौन करता है? फूड करता है। भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ। और जब खुराक हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? हम अपने आप को हंग्री भी फील करते हैं, जी हां, और हम फिर अपने आप को वीक भी फील करते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम एनफ प्रॉपर फूड नहीं लेंगे तो हम अनहेल्दी हो जाएंगे और हम वीक हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं जल्दी से आपके लिए रिपीट करता हूं। मैंने आपको बताया द फूड इज नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। फूड गिव्स अस एनर्जी विच हेल्प अस टू डू वर्क एंड वी मूव। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड कीप अस हेल्दी। फूड आल्सो रिपेयर द वियर एंड टियर ऑफ आवर बॉडी। व्हेन द फूड इज यूज्ड वी फील हंग्री एंड वी फील वीक। ओके डियर स्टूडेंट, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो फूड हम ईट करते हैं उसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस होती हैं, ओके? और वो जो सब्सटेंसेस होती हैं वो यूजफुल होती हैं हमारी बॉडी के लिए, यूजफुल फॉर आर बॉडी। इसको हम, वो जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। भाई बहुत अच्छा, इसका मतलब है ये न्यूट्रिएंट्स की तारीफ होगी। फूड कंटेन डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर यूजफुल फॉर आर बॉडी कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स।
अगर कोई भी आपसे न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन पूछे तो आपने यही कहना है कि फूड के अंदर जो डिफरेंट यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें जिंदा रहने के लिए और साथ में हमें ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, जरा नाम आपको पता है? जी हमें पता है जी, प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेरी गुड। नंबर टू, फैट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत अच्छे जी। कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑयल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, भाई बहुत अच्छे जी। विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये मैंने आपको सारी डिटेल बता दी न्यूट्रिएंट्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, मैं जल्दी से रिपीट कर दूं, मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन बताई, दैट फूड कंटेन डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर यूजफुल फॉर आर बॉडी कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ एंड ग्रो। नंबर वन, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ऑल आर न्यूट्रिएंट्स। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आर बुक रीडिंग। बुक रीडिंग में यू हैव टू ओपन द पेज नंबर 9। ये वार्म अप आपने अभी नहीं करना, क्योंकि अभी तक आपको बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग और प्रोटेक्टिव फूड का कोई आइडिया नहीं है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं यहां से। चैप्टर हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 आर फूड है। फूड इज वन ऑफ आर बेसिक नीड। खुराक हमारी एक बुनियादी जरूरतों में से एक है। वी नीड फूड टू सर्वाइव, हमें जिंदा रहने के लिए खुराक चाहिए। वी ईट फूड एवरी डे, हम रोज खुराक खाते हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प अस टू ग्रो। फूड हमें एनर्जी देता है जिससे हम बड़े होते हैं। इफ वी डू नॉट ईट एनफ प्रॉपर फूड, अगर हम काफी और मुनासिब खुराक नहीं खाएंगे, वी बिकम वीक एंड अनहेल्दी, हम कमजोर पड़ जाएंगे। जैसा कि गौर से देखें, ये एक वीक चाइल्ड है, कैसे वो थका हुआ नजर आ रहा है, जबकि यहां पे एक हेल्दी चाइल्ड है। फर्क क्या है कि ये बच्चा एनफ प्रॉपर फूड लेता है, ये बच्चा नहीं लेता है। देन वी आर नॉट एबल टू डू वर्क, फिर हम काम नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपने पढ़ना है, ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आर नीडेड बाय आर बॉडी इन द राइट प्रोपोर्शन। डिफरेंट फूड हैव डिफरेंट नरिशिंग सब्सटेंसेस विच वी नीड टू लिव एंड ग्रो। मुख्तलिफ खुराक में मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस, अज्जा होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए जिंदा रहने और ग्रो करने के लिए जरूरी है। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स पहले ही बता चुका हूं कि न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आर होमवर्क। डे, डेट, टेक ऑन होमवर्क। टॉपिक इज आर फूड। क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉट ईटिंग एनफ प्रॉपर फूड। अगर हम मुनासिब काफी मिकदार में खुराक नहीं खाएंगे तो क्या होगा? आंसर, इफ वी डू नॉट ईट एनफ प्रॉपर फूड, अगर हम मुनासिब काफी मिकदार में खुराक नहीं खाएंगे, वी बिकम वीक, हम कमजोर हो जाएंगे, एंड अनहेल्दी, और बीमार भी हो सकते हैं, गैर सेहतमंद हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू शेयर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फूड विद योर पेरेंट्स एंड विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।